क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़हीम अशरफ के हवाले से। दोस्तों, फ़हीम अशरफ ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों फ़हीम अशरफ के हवाले से, जिन्होंने आयरलैंड के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना डाला। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ आयरलैंड के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट डेब्यू पर ही हैरतअंगेज़ रिकॉर्ड बना डाला दोस्तों तफसीलात के मुताबिक आपको आगे बताते चले कि वो कैसा रिकॉर्ड है जो फ़हीम अशरफ ने बनाया। दोस्तों, ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ आयरलैंड के ख़िलाफ़ अपने टेस्ट डेब्यू पर 30 नेसिव सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। दोस्तों, फ़हीम अशरफ ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ 50 रन मुकम्मल करने के लिए 52 बॉल्स खेले। फ़हीम से कबल ये रिकॉर्ड दोस्तों उमर अकमल के पास था, जिन्होंने 2009 में न्यूजीलैंड से मैच में 57 बॉल्स फॉर 50 बनाई थी। दोस्तों, फ़हीम अशरफ ने डेब्यू पर 8 से 11 नंबर के दरमियान बैटिंग करते हुए 50 से ज़ायद रन बनाने वाले 20 साल में पहले पाकिस्तानी भी साबित हुए। दोस्तों, आखिरी बार 1997 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अजहर महमूद ने 128 रन नट आउट बनाए थे, जो कि ये फ़हीम अशरफ के लिए पहले डेब्यू मैच है आयरलैंड के ख़िलाफ़, और ये बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है फ़हीम अशरफ के लिए दोस्तों। और याद रहे दोस्तों कि फ़हीम अशरफ को नजम सिटी की तरफ से टेस्ट जो कैप होती है वो भी फ़हीम अशरफ को मिल गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।